ओम ईश्वरी नमो नमः, ओम कमला नमो नमः, ओम चला नमो नमः, ओम हरिप्रिया नमो नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको माता लक्ष्मी की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। किस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और माता की पूजा व्रत आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है, वह सारी कथा आज हम आप सबको सुनाएंगे। तो आइए पावन कथा का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। जिनके गुण को गाते हैं, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, एक बार देवता और दानवों में महाभीषण युद्ध हुआ। दोनों तरफ से घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा, जिस कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब आगे की कथा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। संजीवनी विद्या को पाकर शुक्राचार्य युद्ध में जाकर दानव सेना में जो मरते उनको वे थे जीवित करते, जिस कारण दानव बल पाते उठते ही फिर से भिड़ जाते। देव सभी अतिशय घबराए, दानव को वे जीत न पाए। आखिरकार देव तारण से भाग ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश विजिन के गुण को गाते हैं, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, समस्त देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और आर्त भाव से अपना सारा हाल सुनाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को धीरज बंधाकर एक उपाय बताते हैं। अब आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। सुनो ध्यान धर, करो सिंधु का मंथन जाकर, पहले स्वर्ग लोक सब जाना, दानव को भी साथ मिलाना, तभी कार्य यह कर पाओगे, अमृत अमृत पाओगे। अमृत का जब पान करोगे मृत्यु से फिर नहीं डरोगे। इस प्रकार से प्रभु सब देवों को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश विजिन के गुण को गाते हैं, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, भगवान विष्णु को सादर शीश झुकाकर समस्त देवता दानवों के पास पहुंच गए और अमृत का लालच देकर दानवों को अपने साथ मिला लिया।
सागर मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। अब आगे की कथा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। बना मथानी मंदराचल जब शुरू हुआ मंथन कारज, तब लगा डूबने पर्वत भारी, कूर्म बने तब मदन मुरारी। मंदराचल का भार उठाया, सब देवों का मन हर्षाया। मंथन से विष निकला है, जब महादेव शिव आए हैं तब। भोले शंकर कालकूट विष को पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश विजिन के गुण को गाते हैं। जनों, इस प्रकार उस सागर मंथन से और भी अनेकों रत्न निकले, जैसे चंद्रमा जिन्हें भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण कर लिया, ऐरावत नामक हाथी, उच्चै श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कौस्तुभवणी आदि। फिर मंथन करते करते अचानक एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ। अब आगे की कथा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। लाल वस्त्र है तन पर धारे, रत्न जड़ित है भूषण सारे। सूर्य चंद्रमा देख ल जाए, ऐसे आभा लोक सजाए। गले फूल की माला सोहे, रूप अलौकिक अति मन मोहे। मंद मंद मुस्कान अधर पे, वरमाला है उसके कर में। दानव देव सभी उसको बस देखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश विजिन के गुण को गाते हैं। जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, उस अद्वैतीय स्वरूप को देखकर सभी देवता और दानव इस प्रकार मोहित हो जाते हैं कि उस देवी को पाने के लिए आपस में ही झगड़ने लगते हैं। स्थिर को गंभीर देखकर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और वे उस देवी को स्वयं ही इच्छित वर चुनने के लिए कहते हैं। अब आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। एक सभा लगाया, देव दैत्य सबको बुलवाया। उस देवी ने हार उठाया, लेकिन कोई मन ना भाया। तब तक वहां पीत पट धारे, नारायण हरि स्वयं पधारे। देवी ने हरि सम्मुख जाकर वरण किया, माला पहनाकर। सभी मिल भाव सहित जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश विजिन के गुण को गाते हैं। जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, वह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं परम परमेश्वरी भगवान विष्णु के बाम भाग में निवास करने वाली बैकुंठ स्वामिनी माता लक्ष्मी हैं।
सागर से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी को सागर सुता भी कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। जब माने धारा तीनों लोकों को है तारा, अष्ट रूप है माँ का प्यारा, निर्मल का बल सदा सहारा। अष्ट रूप की गाथा पावन गाती हूँ मैं, सुनो सभी जन। प्रथम रूप है धन लक्ष्मी का, दुख दारिद्र हरे जो सबका। पूजा से सब सुख को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके गुण को गाते हैं। जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, माता लक्ष्मी के द्वितीय स्वरूप को यश लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्या लक्ष्मी कहा जाता है। माता के इस रूप की आराधना से मनुष्य को सदा सर्वदा मान सम्मान, यश ऐश्वर्य तथा अद्भुत विद्वता प्राप्त होती है और शत्रु आदि का कोई भय नहीं रह जाता। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी रोग मिटाए, साधक की बल बुद्धि बढ़ाए। वाहन लक्ष्मी को जो ध्याए, मन चाहे वाहन को पाए। घर में धन की कमी नहीं हो, स्थिर लक्ष्मी को भजता जो। सत्य लक्ष्मी बने सहायक, जीवन साथी मिलना लायक। इनकी करुणा से घर में सुख वैभव आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके गुण को गाते हैं। जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, माता का सप्तम स्वरूप संतान लक्ष्मी का है। जो व्यक्ति अपने वंश वृद्धि को लेकर चिंतित हो और जिसके घर में कोई संतान ना हो, उसे माता संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता की दया से शीघ्र अतिशीघ्र आज्ञाकारी संतान की उत्पत्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। है माँ का प्यारा, भक्त जनों का सत्य सहारा। गृह लक्ष्मी ये रूप कहाए, जन जन के मन को अति भाए। माँ का अष्टम रूप जो ध्याए, वह मन चाहे फल को पाए। जिसके पास नहीं घर अपना, शीघ्र पूर्ण हो घर का सपना। माँ के सभी के कष्ट मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके गुण को गाते हैं। जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, माता लक्ष्मी को शुक्रवार का दिन अत्यंत प्रिय है। अतः शुक्रवार के दिन व्रत करने वाला
माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करता है। माता लक्ष्मी को खीर, रबड़ी अथवा सफेद मिठाई का भोग बहुत भाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। शुक्रवार को प्रातः उठकर नित्य नियम से निवृत्त होकर पूजा स्थल को स्वच्छ बनाए, माँ लक्ष्मी के गुण को गाए। सातिकी से 11 बार व्रत करता है जो शुक्रवार, उस पर माँ की करुणा होती, बरसे घर में हीरा मोती। शुक्रवार व्रत करने वाले दुख ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके गुण को गाते हैं। जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ। भक्त जनों, माता लक्ष्मी की दया के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं। जिसके पास माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, उसका ना तो घर में सम्मान होता है और ना ही बाहर। जिस तरह बिना खुशबू के फूल और बिना घटा के सावन होता है, वैसे ही बिना धन के मनुष्य का जीवन निरस और लाचार होता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। जपो नित नाम उचारो, माँ लक्ष्मी को मन में धारो, हर विपत्ति बाधा टल जाए, कठिनाई ना पथ में आए। जीवन हो जैसे फुलवारी, परम मनोहर मंगलकारी, कवि सानंद शरण स्वीकारो, अनन्या के दुख दोष निवारो। सब चरणों में माँ सादर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके गुण को गाते हैं। जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी माँ, जय जय लक्ष्मी माँ बोलो, जय जय लक्ष्मी मैया। ऊंचे
तारी गूंजे।